नमस्कार। सबसे पहले सभी ग्रेट मेंटर्स को प्रणाम, नमस्कार। साथियों बहुत बढ़िया है और आज महापुरुष जी के माध्यम से मौका मिला आपके साथ कुछ बात करने का। और साथियों आज की ट्रेनिंग के बारे में पहले मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी एलईपी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे सेशन है, बहुत सारे आज तक लिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे महापुरुष जी ने आज वो सेशन दिया जो हम सब लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम आता है। ये सुन लो yes! तो मैं भी आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और महापुरुष जी ने आज लास्ट में बताया कि भीड़ को कैसे इकट्ठा करना है, भीड़ को कैसे संभालना है, उसमें से कैसे लीडर निकालने हैं और लीडर निकाल करके कैसे आप और हम जो है बड़ा इतिहास बना सकते हैं। महापुरुष जी ट्रेनिंग मेरे लिए थी और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। महापुरुष जी के मिशन को अपना मिशन मान के काम करेंगे। महापुरुष जी जनता काम करके दिखाएंगे। थैंक यू साथियों। हाँ साथियों, जैसा कि महापुरुष जी ने बताया, मेरा नाम राजकुमार, बेसिकली मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ तहसील नागौर से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले सन 2005 में मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का। और कॉलेज करते करते जैसे आप और हमारे सोसाइटी जिस तरीके से गाइड करती है, तो मेरे डैडी जी भी आर्मी में मेडिकल कोर में सर्विस करते थे, तो प्रेरणा मिली। और मैं हालांकि मेरे पापा जी ने तो थोड़ा सा मेरे को हिंट दिया था कि आप, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट डिवीजन आ रहा था, तो बोला कि आप टीचर लाइन में जाओ। लेकिन घर का इस तरीके का माहौल था, मेरे दोस्त जो थे, मेरा भाई था जो वो भी फौज में था, तो मेरे को लगा कि यार मुझे उधर जाना चाहिए। तो मैं 21 फरवरी 2006 को मैं फौज में एज ए हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर आईटीबी में वायरलेस ऑपरेटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया था। और महापुरुष जी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, हमारे कोच जो है सिग्नल कोर के हैं और मैं भी सिग्नल का बनता हूँ। और महापुरुष जी ने बताया 27 डायमंड है, तो 27 डायमंड में मेरा भी नाम आता है। तो थैंक यू। और अभी बहुत सारे लोग सिग्नल कोर के भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में महापुरुष जी आपके सिग्नल कोर में 4 बंदे डायमंड सिग्नल कोर से हम देंगे आपको। थैंक यू। और फौज में चले गए, नौकरी चल रही थी बढ़िया से, अरुणाचल से पॉजिटिव होकर के चंडीगढ़ आया। और चंडीगढ़ आने के बाद में एक दिन सन मिले, शनिवार के दिन महापुरुष जी ने आज मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मेरे कोच के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। बहुत अच्छी बात बोली कि ये बिजनेस जो है हमारी प्लानिंग से नहीं, गोल प्लानिंग से मिलता है। मैंने तो गुरु जी को पहले से रिजेक्ट कर दिया था कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता हूँ, मैं जोड़ने वाले काम में नहीं आना चाहता हूँ, मेरा इधर कोई रुझान नहीं है। लेकिन गुरु जी के साथ गुरु जी के लाइफ को चेंज को होते हुए जब मैंने देखा, तो सर ने मेरे को शनिवार के दिन इन्वाइट किया। संडे के दिन मैं प्लान देखने के लिए जीरकपुर गया, मेरे जहाँ ड्यूटी करता था वहां से 3 किलोमीटर दूर गया। और वहां पे मेरे को 3 शख्सियत मिली उस दिन, और ज्यादा लोग नहीं थे, 7-8 लोग थे प्लान में। और मुझे याद भी याद है, जैसे मैं गया वहां पे, तो सबसे पहले ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट जो है सर ने पाई हुई थी, नीली सर की टाई थी। और मेरे को सर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे सीनियर हैं इंद्रपाल जी, आप इनसे मिलिए। मैंने वैसे इनको हायलो कर दिया, मैं आया था फौजी ड्रेस में, राधे सिविल ड्रेस में था, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स के कपड़े होते थे, हमने फॉर्मल कभी जिंदगी में पहने नहीं थे। तो वहां पे सर ने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, आप जाकर देखो। फर्स्ट प्लान निहाल जी ने दिखाया, सेकंड प्लान शमशेर जी ने दिखाया, और नेगी जी हुआ करते थे सीआरपीएफ में, उन्होंने एंकरिंग किया, महापुरुष जी ने क्लोजिंग किया। और लास्ट में जाकर के मेरे से पूछा हमें कैसा लगा, तो निहाल जी को देख करके मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। और महापुरुष जी की बात बोलने से स्टार्टिंग कर दिया, जिंदगी बदली मेरी फ्राइडे की ट्रेनिंग से। और जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेने के लिए आया, मैंने कोर ट्रेनिंग लिया, तो मुझे ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस पता लगा, बुक्स का इंपोर्टेंस पता लगा। और मैं इस बिजनेस में, मैं तो बुक से तंग आकर के फौज में गया था, लेकिन इस बिजनेस में जब ट्रेनिंग मिली तो पता लगा बुक पढ़ना चाहिए। आज मैंने करीबन 100 से ज्यादा बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सेल्स ऑफ मार्केटिंग से पढ़ी। तो विजन मिल गया, बिजनेस को करने का मकसद मिल गया। और जैसे जैसा गुरु जी बोलते चले गए वैसे वैसे करते हैं। और जैसे बच्चा होता है गलतियां करता है, गलतियां करके सीखते हैं, हम भी बहुत सारी गलतियां करते रहे, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन महागुरु जी की उंगली पकड़ करके चले हुए हैं और अपना हाथ जो है महागुरु जी को पकड़ा हुआ है। महागुरु जी कभी भी गिरने की अगर लगे आपको, गिर रहा है बंदा, तो आप उठा लेना हमारे को, और जैसा आप बोलोगे वैसा करते चलेंगे। आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, महागुरु जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और महागुरु जी ने आज हमारे को यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है। महागुरु जी अभी भी फ्रेशर लेवल पे जैसे बताया, आज लुधियाना में बैठ करके कोर वर्कशॉप करके और बहुत सारे लोगों को देख करके इंस्पायर होकर के काम कर रहे हैं। और महापुरुष जी आने वाले समय में अपनी टीम में इसी साल 2 डायमंड पक्का इस साल में बनाएंगे, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि बिजनेस में, कि मेरे को एक ऐसा बिजनेस दे दिया जहां पे आपके जैसे हमारे जैसे हजारों दोस्तों के साथ बात करने का, मिलने का, उनके साथ टच एंड फील करने का, उनके पास बैठ करके उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे एक ऐसा काम दे दिया
जहां पे जहां भी जाते हैं रिलेशन बनते हैं, हर शहर में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोई ना कोई अपना परिवार है, कोई ना अपना रिश्तेदार है, कोई ना कोई अपना दोस्त है। और मुझे फील हुआ जब मैं 28 घंटे की जर्नी करके टाटा नगर के डायमंड सेलिब्रेशन में गया, हमने एक भी चाय और हमने एक भी खाने का जो भी आइटम हमने कहीं भी रेलवे स्टेशन से नहीं लिया, हमारे लिए सारा का सारा बंदोबस्त घर से हुआ, किसी न किसी अपने साथी मित्र के घर से हुआ। तो मैं थैंक्स टीम वर्क को मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ। जहाँ पे टीम है, जहाँ पे नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारी पावर जुड़ती है। और महागुरु जी मिशन बना के काम कर रहे हैं। आज जैसे लास्ट में महागुरु जी ने बताया सीखो सिखाओ और कमाओ, महागुरु जी मैं आपके मिशन में शामिल हूँ। और मेरा शुरू से एक आदत है, जो मैं जिस आदमी के साथ बैठ जाता हूँ मेरा एक मिशन रहता है कि उसको अपनी जैसी कॉपी बढ़ा दूं। और आप महागुरु जी इसमें काम करेंगे, सीखो सिखाओ के ऊपर काम करेंगे। पढ़ाई 28 दिन का जो हमारे को टारगेट का कमिटमेंट मिला है, उस टारगेट को मिशन बना के काम करेंगे। और इस 28 तारीख तक 28 टारगेट तो कन्फर्म देंगे महागुरु जी, उस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू। और महागुरु जी एक इस बिजनेस के अंदर आए 12 साल 10 महीने मैंने एग्जैक्ट नौकरी की है। 12 साल 10 महीने करके मैंने देखा कि अगर मैं नौकरी करता हूँ तो सिर्फ मेरी सैलरी, और मेरे को वैसे पार्ट टाइम भी ठीक ठाक इनकम आ रही थी, तो मेरे को लगा कि सिर्फ मेरी इनकम आ रही है, लेकिन जो मेरी टीम ग्राउंड में काम कर रही है उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने देखा कि अगर नौकरी छोड़ता हूँ तो मेरा तो भला है ही है, क्योंकि मेरे को तो टीम वर्क का फायदा मिल ही रहा है, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगी हम बदल सकते हैं। तो हमने डिसीजन लिया। और महागुरु जी बोलते हैं लीडर वो होता है जो आगे चल के दिखाता है। महागुरु जी को मैंने देखा, निहाल सर को नौकरी छोड़कर के बिजनेस में काम कर रहे हैं, शमशेर सर को देखा, शमशेर सर ने 10 साल में मात्र नौकरी छोड़ दी। मैं बोला अगर सर लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो मैंने गुरु जी से बातचीत करके और हमने डिसीजन ले लिया, फुल टाइम कर रहे हैं। और अभी हमारी टीम में भी इसी साल के अंदर 2 लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, और इसी को मिशन बना के काम कर रहे हैं। क्योंकि हम कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे, हम मिशन के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू। सारा का सारा क्रेडिट मैं 2 लोगों को देना चाहता हूँ, एक दमदार टीम को। मैं चाहूंगा मेरी टीम के लिए पर जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे कोच, मेरे मैं माँ बाप जो बोलूं इस धरती के अंदर, मैं दुनिया में किसी इंसान की बात नहीं मानता, बस एक इंसान की बात मानता हूँ, महागुरु जी निहाल जी के लिए पर जोरदार तालियां। थैंक यू। मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, मेरी बीवी को नहीं पता था। मेरी बीवी को कब पता लगा? जब मेरे फौज वाले जाकर के क्वार्टर के आगे खड़े हो गए, बोले आपको क्वार्टर जमा करना है, उस दिन पता लगा था। तो जिंदगी में एक डिसीजन लेने की वजह से, मेरी मैडम को भी इस बात का भी पता है कि अगर इसको कुछ समझाना है तो पहले इसके सीनियर को समझाओ तो ये समझेगा। तो अगर उसको भी पर्सनल लेवल में भी अगर कोई काम करवाना होता है और उसको लगता है भाई डायरेक्टली नहीं मान रहा, तो फिर वो थर्ड पार्टी करती, मतलब उसको मेरे खानदान में मेरे माँ बाप को सबको पता है, अगर इसको कोई चीज बतानी है, इससे कुछ काम करवाना है, तो ये एक इंसान की बात मानता है, उसका ग्रेट मेंटर है। मैं आपसे इस चीज के ऊपर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपको कि हमारे साथ बहुत सारे कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात मानते हैं। हम बिजनेस के बारे में वाइफ से रिलेशन डाउट बात करेंगे, पापा में भी इसे बात करेंगे, तो वो हमारे को बहुत सारा गाइड अलग अलग तरीके से कर देते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में हम कभी एक इंसान की बात मानेंगे, कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा, कभी डाउट नहीं आएगा। थैंक यू महाराज जी, आपने बोलने का मौका दिया और ट्रेनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आप लोगों के बीच में आकर के मैं बहुत एंजॉय करता हूं। और भगवान ने एक ऐसा बिजनेस दे दिया, कभी अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, सच इतनी बढ़िया बढ़िया जगह पे, ऐसे ऐसे जगह पे आकर के कभी सपने में सोच नहीं बन पाती, लेकिन आज भगवान ने ऐसा बिजनेस दिया है। हर महीने 2 महीने 3 महीने में स्टार होटलों में जाकर के खाना नहीं खाया, डीजे डांस नहीं किया, स्विमिंग पूल नहीं किया, ये नहीं किया, वो किया, मतलब हलचल होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ दिन तक लगा, बाद में अभी सारी चीजें इतने मस्त आ रही। मैंने कभी जिंदगी में स्विमिंग पूल, हमारे गांव में उधर कभी कोई ना तालाब है ना कोई नदी है, कुछ नहीं है। हमने एक दिन भी तैरना सीखा, बढ़िया बढ़िया 5-स्टार होटलों के स्विमिंग पूल में सीखा। आज तैर लेते हैं, ये सारे मजे चुनाव के माध्यम से है। और सारा का सारा महागुरु जी आपके मिशन में हम शामिल है, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, आपका प्राउड बन के दिखाएंगे, और आने वाले समय में हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी बना के दिखाएंगे। और मैं भी मेरा मिशन लेके चला था जब मैं ज्वाइन हुआ था कि दिशा ट्रेनर बन के दिखाऊंगा, महागुरु जी बहुत जल्दी दिशा ट्रेनर भी बन के दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी।